ऐसे चार WWE सुपरस्टार्स जो शायद दोबारा कभी वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन पाएंगे। WWE सुपरस्टार एज। एज ने अपने WWE करियर में काफी बार वर्ल्ड टाइटल्स पर कब्जा किया है। फैंस उन्हें बहुत पसंद करते हैं और 2020 में एक चौंकाने वाली वापसी करके उन्होंने फैंस को एक ऐतिहासिक पल दे दिया था। इसके बाद से एज ने कई दिग्गजों के खिलाफ मैच लड़े है और शानदार स्टोरी लाइन्स दी है। एज ने यूनिवर्सल टाइटल मैच भी लड़े है, हालांकि उन्हें जीत नहीं मिली। एज ने पहले ही बता दिया है कि वो अब ज्यादा समय तक रेसलिंग नहीं करेंगे, जल्द ही वो रिटायर हो सकते हैं। ऐसे में मौजूदा टाइटल पिक्चर को देखकर ऐसा ही लग रहा है कि रोमन रेंस लंबे समय तक चैंपियन बने रहेंगे। ऐसे में एज को शायद मौका नहीं मिलेगा और वो रिटायर हो जाएंगे। नंबर 3, डॉल्फ जिगलर। डॉल्फ जिगलर के पास काफी टैलेंट है, लेकिन वो काफी सालों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। जिगलर के पास टॉप स्टार बनने के सारे गुण है, लेकिन वो खुद को साबित नहीं कर पाते हैं। जिगलर को आखिरी बार वर्ल्ड चैंपियन बने लगभग एक दशक होने वाला है। जिगलर को अब सही तरह से टीवी टाइम तक नहीं मिलता है। देखकर लग रहा है कि डॉल्फ को लेकर WWE ने सभी उम्मीदें छोड़ दी है। जिगलर को अब WWE नए सुपरस्टार को आगे लाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। WWE में अभी कई ऐसे सुपरस्टार है जो पिछले कुछ सालों से शानदार काम कर रहे हैं और वो पहले वर्ल्ड चैंपियन बनना डिजर्व करते हैं। नंबर 2, कोफी किंगस्टन। कोफी किंगस्टन को 2019 में जबरदस्त तरीके से पुश मिला था। फैंस उन्हें सिंगल स्टार के रूप में सालों से देखना चाहते थे और आखिर 2019 में फैंस की इच्छा पूरी हुई। किंगस्टन ने रेसलमेनिया 35 में WWE चैंपियनशिप जीती थी। उनका टाइटल रन भी बहुत शानदार साबित हुआ। इसी वजह से कई लोगों का मानना था कि इसके बाद कोफी की किस्मत बदल जाएगी और वो बड़े स्टार्स में गिने जाएंगे। हालांकि चैंपियनशिप हारने के बाद वो कभी रिकवर नहीं कर पाए। वो अब पहले की तरह टैग टीम डिवीजन में काम कर रहे हैं और कई बार वो सिंगल्स मैच में आसानी से हार जाते हैं। नंबर 1 पर आते जिंदर महल, जो कि शायद ही कभी वर्ल्ड चैंपियन बन पाएंगे। जिंदर महल ने 2017 में वर्ल्ड चैंपियन बनकर सभी को सरप्राइज कर दिया था। किसी ने नहीं सोचा था कि सालों तक जॉबर की तरह काम करने वाले महल को कभी सिंगल स्टार के रूप में इतना शानदार पुश मिलेगा। महल का चैंपियनशिप रन अच्छा था और लग रहा था कि इसके बाद उन्हें लगातार शानदार बुकिंग मिलेगी। ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। इस भारतीय सुपरस्टार ने लगातार ढेरों मैच हारे और वो 24/7 चैंपियनशिप के पीछे भागने लगे। अब तो जिंदर को टीवी टाइम तक नहीं मिलता है। किसी को याद भी नहीं है कि महल आखिरी बार WWE टीवी पर जीत दर्ज करते हुए कब नजर आए थे। महल अब शायद ही कभी वर्ल्ड चैंपियन बनने में सफल रहेंगे। लाइक और सब्सक्राइब करें ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लगातार देखने के लिए।